गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफ B7 सीएसई ब्रांच। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के यूनिट 2 के बारे में। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हमने मॉड्यूलर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उसी के अंदर का देखेंगे, जो कि है हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशन। मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो मॉड ऑफ एन जो हमारा रहता है ऑपरेटर मैप ऑल इंटीजर्स इनटू द सेट ऑफ इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स रहेंगे वो सारों पे वो सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे लेगा, जैसे कि 0, 1 से लेके n-1 तक के। वो क्या करेगा कि जितने भी हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उनको सारे को वो मैप करेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए a mod n plus b mod n ओवरऑल ब्रैकेट में मॉड ऑफ n है इक्वल टू a plus b mod of n, ठीक है। यदि हम a mod n करें और b mod n करें और इन पूरे को फिर से हम इनके आंसर के साथ मॉड ऑफ n करें तो ये किसके इक्वल रहेगा, a plus b मॉड ऑफ एन के इक्वल रहेगा। वैसे ही हमारा सेकंड जो है ये हमारा प्लस का था, देन हमारा सब्सट्रैक्शन का है। ए मॉड एन माइनस बी मॉड एन इक्वल टू मॉड ऑफ एन जो है ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, ए माइनस बी मॉड ऑफ एन, ठीक है, ए माइनस बी मॉड ऑफ एन के इक्वल रहेगा। देन हमारा थर्ड आता है ए मॉड एन इंटू बी मॉड एन और ओवरऑल ब्रैकेट में आपका मॉड एन है इक्वल टू ए इंटू बी मॉड एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम वो मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहेगा ए मल्टीप्लीकेशन बी ऑफ मॉड एन के इक्वल रहेगा। देन इसके आगे हम देखते हैं प्रूफ ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है। प्रूफ ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक की यदि हम बात करें तो प्रूफ ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आप देखिए a mod n इक्वल टू r ऑफ a है एंड b mod n इक्वल टू r ऑफ b है, ठीक है। a mod n क्या है हमारा r ऑफ a है एंड b mod n जो है हमारा r ऑफ b है। तो यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू r ऑफ a प्लस j ऑफ n एंड b इक्वल टू r ऑफ b प्लस k ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि a प्लस b mod n है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सबको सब एडिशन कर रहे हैं सबका r ऑफ r a प्लस जे एन आर बी प्लस के एन और सबको हम क्या कर दे रहे हैं मॉड ऑफ एन कर दे रहे हैं, ठीक है, सबको हम मॉड ऑफ एन कर दे रहे हैं। अब आप देखिए जे प्लस के को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है और हम एन कर रहे हैं, ठीक है, एन से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन मॉड ऑफ एन, तो ये हमारा आंसर जो भी रहेगा। देन आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी हम क्या कर रहे हैं मॉड ऑफ एन। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a प्लस मॉड एन और प्लस b प्लस मॉड एन इक्वल टू मॉड एन, हमारा जो आ रहा है आंसर ये हमारा हो गया है प्रूफ, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमारा जो है प्रूफ हो गया कि a प्लस मॉड एन प्लस जो हमारा a प्लस b मॉड एन क्या है हमारे a मॉड एन प्लस b मॉड एन और ओवर ऑफ मॉड एन के इक्वल टू है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। देन हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 11 mod 8 इक्वल टू 3 है एंड 15 mod 8 इक्वल टू 7 है। 8 × 1 = 8, ठीक है, 8 × 1 = 8 होता है। जब हम 8 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 3 और जब हम 8 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 7। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 11 mod 8 प्लस 15 mod 8 ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं mod 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 11 प्लस 15 हो जाएगा, सिंपल है। जो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे देखा था ना इसी फॉर्मूले में हम एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं 11 mod 8 प्लस 15 mod 8। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं 11 प्लस 15 mod 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 प्लस 15 mod 8 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 26 mod 8। अब 8 टू जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 थ्री 24 और आपका क्या बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देन अब आप देखिए 11 mod 8 माइनस 15 mod 8
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एडिशन किया हुआ था, अब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 mod 8 - 15 mod 8 कर रहे हैं और हम उसे ओवरऑल मॉड 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से मॉड 8 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 11 - 15 जो कि हो गया -4 mod 8। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे बचेगा, 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा मॉड हो गया। देन इसके बाद हमारे पास आता है कुछ अरिथमेटिक मॉड्यूलो का फॉर्मूला आता है, ये आपका अरिथमेटिक मॉड्यूलो का फॉर्मूला है, ठीक है। देन इसके बाद ये अरिथमेटिक मॉड्यूलो का फॉर्मूला है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, तो ये लाइन है ना, यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन सेकेंड वाले में हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट करके 0, देन हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 0 and 1, देन वैसे ही हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4, then 5, then 6 and then 7, 7 से जब हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मॉड्यूलो 8 है, 8 है मीन 0 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 से 7 ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मॉड्यूलो है हमारा, जिसमें कि हमारा ये एडिशन मॉड्यूलो है, ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए कि हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो ले रहे हैं, उसके बाद हम जब 7 आ गया तो हमने फिर 0 से 6 तक के स्टार्ट किया, तो ये क्या था, हमारा एडिशन ऑफ मॉड्यूलो था। देन ये हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो है आपका, आप यहाँ पे देखिए कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 × 0 किया तो आपका 0 आया, देन यहाँ पे भी आपने 0 × 1 किया तो 0 आएगा, 0 × 2 किया तो 0 आएगा, 0 × 7 भी करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। तो फर्स्ट जो रो और कॉलम हो जाएगा वो आपका पूरा 0 हो जाएगा, देन 1 × 1 करेंगे तो 1, 1 × 2 करेंगे 2, 1 × 3 करेंगे 3, 1 × 4 करेंगे 4, 1 × 5 करेंगे 5, 1 × 6 करेंगे 6, 1 × 7 करेंगे 7। तो ऐसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आते जाएगा। देन यहाँ पे आप देखिए 2 × 1 2, 2 × 2 4, देन 2 × 3 6, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ऐसे ये सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 × 4 जो है आपका 8 होता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका मॉड्यूलो क्या है, 0 से 7 ही आएगा, क्योंकि आपका मॉड्यूलो 8 है तो 0 से 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 होने के बाद वो 0 हो जाएगा। देन 2 × 5 10, 10 मीन्स 8 आपका हो गया, 8 तो आपका मॉड्यूलो हो गया, उसके बाद आपका कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए 10 हो जा रहा है, तो 10 में हम 8 तो यहाँ पे लिख नहीं सक रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 8 तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यही आपका प्रोसेस यहाँ पे पूरा चलते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये पूरा टेबल यहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे। देन हमारा आता है ओमेगा मॉड्यूलो, ओमेगा मॉड्यूलो में हम क्या बोल रहे हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो ये ओमेगा है, ओमेगा और क्या है यहाँ पे आपका, माइनस ऑफ ओमेगा, तो उसका ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक में आपका स्टार्टिंग से है, माइनस ओमेगा में आपका इनवर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है ओमेगा मॉड्यूलो, जिसमें कि हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं ऑफ मॉड्यूलो 8। देन हमारे इसके बाद आता है, ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर ही आ रही है, ठीक है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर ही आ रही है ये आपकी जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक फॉर इंटीजर इन ZM, ठीक है। हम क्या लेंगे अब, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक अरिथमेटिक इंटीजर्स की ZM ऑफ n से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारी जो जो प्रॉपर्टीज होगी अरिथमेटिक में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है हम उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो इसमें प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेटिव लॉ की।
कम्युनिकेटिव ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखिए कि w प्लस एक्स मॉड एन इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू मॉड एन। अब हम इसे पहले प्लस करेंगे या बाद में प्लस करें, आंसर तो सेम आएगा, तो ये दोनों क्या रहेगा आपस में इक्वल रहेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स मॉड एन एंड एक्स इंटू डब्ल्यू मॉड एन। इसे भी हम पहले इंटू करें या बाद में इंटू करें, हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। देन हमारा सेकेंड जो लॉ आता है वो हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में आप देखिए w प्लस एक्स प्लस वाई मॉड एन इक्वल टू w प्लस एक्स प्लस वाई मॉड एन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में w प्लस एक्स हो या फिर w को हम छोड़ के ब्रैकेट में x और y को लिखे, दोनों ही के आंसर हमारे सेम आएंगे। वैसे ही w इंटू x, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में किसी को भी किसी भी नंबर को हम पहले ऐड करें या किसी भी नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करें, हमारे आंसर जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, देन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप देखिए w इंटू एक्स प्लस वाई, ये ओवरऑल क्या होगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा टर्म है जब ब्रैकेट ओपन होगा, इसका ब्रैकेट जब ओपन होगा तो w इंटू एक्स प्लस w इंटू वाई मॉड एन होगा। मीन्स हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, आंसर हमारा क्या होगा, दोनों केसेस में आंसर हमारे सेम आएंगे। ठीक है, देन हमारा आता है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी की हम यदि बात करें, जीरो प्लस डब्ल्यू मॉड एन क्या होगा, हमारा w मॉड एन होगा। ठीक है, जीरो प्लस w है यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो प्लस w बोलने का मतलब w रहेगा यहाँ पे। जैसे हम 10 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर तो 10 ही आएगा, तो क्या होगा, और 10 मॉड एन ही होगा हमारा, तो वही यहाँ पे लिखा होगा 10 है 1 इंटू डब्ल्यू मॉड एन। अब कुछ भी करें, 10 इंटू 1 20 इंटू 1 25 इंटू 1 1 ही 25 ही रहेगा, तो वही हमारा यहाँ पे दिया होगा। देन हमारा आता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा एडिटिव इनवर्स है उसका भी यहाँ पे वही फॉर्मूला है, w प्लस जेड इक्वल टू जीरो मॉड एन। ठीक है, देन ये था आपका प्रॉपर्टीज का मॉड्यूलर अरिथमेटिक का। अब हम बात करते हैं रेसिड्यू क्लासेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेसिड्यू क्लासेस की। रेसिड्यू क्लासेस में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे डिफाइन द जेड ऑफ एन एंड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन एन। ठीक है, जो लेस देन एन होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, हम उनकी बात करते हैं। तो डिफाइन दैट जेड ऑफ एन एज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लेस देन जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे, तो जीरो से जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे हमारे। ठीक है, This is referred to as the set of residues or residue classes. इस चीज को हम क्या रिफर करेंगे, set of residues या फिर residue class को हम यहाँ पे define करेंगे। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे define करेंगे। तो इससे क्या होता है हमारा, इससे क्या होता है हमारा कि जो हमारा residue है उसका जो mod रहेगा वो mod हम कैसे define करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मॉड ऑफ एन एज जीरो वन टू से एन माइनस वन तक के। ठीक है, एन माइनस वन तक के हमारा रहेगा, वेयर आर जो है हमारा रहेगा ए, ए रेशो ए इज एन इंटीजर, ए इक्वल टू आर मॉड एन। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड फोर आर, यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे जीरो, जैसे कि जीरो है तो जीरो में क्या रहेंगे माइनस सिक्सटीन से यहाँ पे प्लस, वन है तो 16 रहेगा, टू है तो 14, थ्री है तो 13, ऐसे हमारी वैल्यूज जो है यहाँ पे कम होती जाएंगी। तो ये हमारा होता है रेसिड्यू क्लासेस। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए रेसिड्यू क्लासेस के बाद आपके आते हैं ऑर्डिनरी अर्थमेटिक। ठीक है, ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में क्या होता है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी मॉड एन। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी मॉड एन, और जो बी इक्वल टू सी क्या है हमारा मॉड एन। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम चीजें सॉल्व करें तो 5 प्लस 23 इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 7 मॉड 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 इक्वल टू 7 मॉड 8। इसे ही हम क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के लिख रहे हैं। ठीक है, इसे हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं यहाँ पे। देन इफ
A into B equal to B into C mod n, then B equal to C mod n. If A is relatively prime to n, then A क्या है हमारा relatively prime है n के, तभी क्या होगा हमारा ये वाला formula काम करेगा. A into B equal to B into C mod n, then B equal to C mod n. तो ये जो आपका था फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो थी आपकी, ये आपकी थी मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अंदर की. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनोमियर अर्थमेटिक. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियर अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे AES स्टैंडर्ड के बारे में कि हमारा AES स्टैंडर्ड कैसे वर्क करता है. ठीक है, थैंक यू.